बहुत लोगों ने मेरे से ये डिमांड किया है कि जीवा डायबिटिक आटा के बारे में रिव्यू करिए, क्या जीवा डायबिटिक आटा डायबिटिक मरीजों के लिए अच्छा है, इस पे भी एक रिव्यू करिए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं जीवा डायबिटिक केयर आटा को रिव्यू करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि क्या ये डायबिटीज के लिए अच्छा है, क्या डायबिटीज के मरीज इसे ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो क्यों ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज आप सबके पॉपुलर डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ जीवा डायबिटिक केयर आटा। तो गाइज जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने के पहले या कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदने के पहले आपको दो चीज जरूर देखना है, वो है इंग्रेडिएंट और दूसरा जो है न्यूट्रिशनल फैक्ट। सामने तो हर जगह पे वो लिख देता है कि ये डायबिटिक आटा है, बड़े बड़े करके लिख देंगे डायबिटिक आटा, लेकिन आप लोग को सामने नहीं देखना है क्योंकि सामने का जो भी लिखा हुआ रहता है वो हमेशा मिसलीडिंग होता है। अगर आपको जानना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं है तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा उसका पीछे क्या लिखा है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है। जब तक आप लोग ये सीखेंगे नहीं तब तक मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो गाइस आइए चलते हैं अमेजन के साइट पे और जीवा डायबिटिक केयर आटा निकालते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अमेजन के साइट पे, आप देख सकते हैं ये जीवा डायबिटिक केयर आटा है, इसमें इन्होंने लिखा है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और गुडनेस ऑफ डाइको कम, और इसमें बहुत सारे चीज जो इन्होंने ऐड किया है, जो इंग्रेडिएंट है इसमें लिखा है। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि डाइको कम व्हीट, टोस्टेड ओट्स, मेथी सीड्स, सैंड पफ बंगाल ग्राम, व्हीट ब्रैन, मकई, जीरा, सी सॉल्ट। आइए आप पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो गाइस अगर मैं पीछे जाके देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखा है शरबती होल व्हीट, डाइको कम व्हीट, टोस्टेड ओट्स, मेथी सीड्स, सैंड पफ बंगाल ग्राम, व्हीट ब्रैन, मकई, जीरा और सी सॉल्ट। तो गाइज मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग को इंग्रेडिएंट्स देखना है तो सबसे पहले आप पहला तीन या चार इंग्रेडिएंट देखिए और उसमें क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तीन या चार इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले शरबती होल व्हीट, उसके बाद डाइको कम व्हीट, टोस्टेड ओट्स और फिर मेथी सीड्स। तो आप देख सकते हैं कि पहला तीन जो है वो होल व्हीट और ओट्स है जो कि हाई कार्ब है। मैं मानता हूं कि इसमें होल लिखा है तो इसकी फाइबर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही। अब चलते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे। अगर मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखूं तो यहां आपको मिल जाएगा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। तो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम में 346 कैलोरीज मिलेंगे, प्रोटीन जो है 12.8, फैट 2.3 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 69.2 जिसमें फाइबर जो है 14.8। तो गाइज अगर आप एक और फिगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने कंपेयर किया है होल व्हीट फ्लोर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, मैदा का 100 है, जीवा डायबिटिक केयर आटा का 38। तो गाइज ये बात तो ठीक है कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है जीवा डायबिटिक केयर आटा का ये काफ़ी कम है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो तकरीबन 70 ग्राम के आसपास है 100 ग्राम में। तो अगर मैं इसकी ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे ग्लाइसेमिक लोड, मैंने आपको बार बार कहा है कि ग्लाइसेमिक लोड पे ज़्यादा फोकस करना है ना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। तो ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कार्बोहाइड्रेट इन दैट पोर्शन। तो इस पोर्शन में मान लेते हैं कि 100 ग्राम है तो कि 70 है, तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 70 और उसको हमें डिवाइड करना है 100 से, तो वो आ जाता है तकरीबन 26 के आसपास। तो गाइस इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 26 है और ग्लाइसेमिक लोड को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। लो का मतलब है 10 के नीचे और मीडियम का मतलब है 11 से 20 और अगर 20 से ऊपर है तो उसको हाई बोलते हैं। तो गाइस ये प्रोडक्ट जो है, ये आटा जो है, इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है बहुत ही हाई है, तो ये डायबिटिक के लिए बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी नो है, ये डायबिटीज रिवर्सल के लिए, डायबिटीज कंट्रोल के लिए अच्छा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें भी व्हीट है। तो अगर आप व्हीट खाना चाहते हैं इससे अच्छा व्हीट ही खाइए, 40 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस आटे का कीमत भी काफी है, अगर मैं इस आटे का कीमत देखूं
तो आप देख सकते हैं 125 रुपया है इस आटे का कीमत। इससे अच्छा है आप 40 रुपये का आटा खरीद लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो गाइस एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, हमेशा इंग्रेडिएंट देखिए, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखिए, दोनों को देख के फिर एनालिसिस करने की कोशिश करिए। मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैं हर वीडियोस में आप लोग को ये सिखाता हूँ, ये बताता हूँ कि कैसे इंग्रेडिएंट्स देखना है, कैसे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में जानना है, क्यों ग्लाइसिमिक लोड को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ग्लाइसिमिक इंडेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लाइसिमिक इंडेक्स से आप उतना ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते। हाँ अच्छी बात है, अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स किसी का कम है तो ऑब्वियसली वो प्रेफरेबल है, लेकिन आपको ग्लाइसिमिक लोड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स जिसका कम है और वो भी बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो भी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और खास करके डायबिटीज मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गाइज आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो डायबिटीज के, डायबिटीज आटा ऐसे करके बेच रहे, लेकिन प्लीज आप लोग सिर्फ डायबिटीज का आटा है या डायबिटीज के लिए अच्छा है ऐसे देख के प्रोडक्ट ना खरीदे, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखे, इंग्रेडिएंट्स देखे और उसके बाद ही डिसीजन ले कि क्या ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। तो गाइज एक और तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और खास करके ये पहचान सकते हैं कि ये डायबिटीज के लिए अच्छा होगा। खास करके आप देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर दोनों का परसेंटेज, दोनों का रेशियो लगभग बराबर है या प्रोटीन थोड़ा ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है तो वो प्रोडक्ट आप जरूर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन का रेशियो मान लीजिए 1 है, 1:2 भी चलेगा, मान लीजिए इसमें जैसे प्रोटीन 12 ग्राम है और इसका कार्बोहाइड्रेट अगर 24 होता तो भी आप वो प्रोडक्ट ले सकते थे। तो गाइज इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, सबको लगता है कि डायबिटीज का आटा मिल गया है, डायबिटीज का आटा मिल गया है ये देखो, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज जो है डायबिटीज का आटा निकाल रहे हैं जबकि उसमें भी वीट है और थोड़ा मोड़ा वो दूसरा टाइप का ग्रेन्स डाल देते हैं जैसे कि मेथी हो गया या कुछ और हो गया, इस तरह के चीज डाल के और फिर बताते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये डायबिटीज मरीज के लिए अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पूरा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखना पड़ेगा, आपको इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ेगा और तभी आप लोग को वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो आप लोग अभी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या जीवा का डायबिटीज केयर आटा आप लोग को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।